नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूं एस्कॉर्ट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल के अंदर ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज। जैसे कि दोस्तों आपने पिछले 7 एपिसोड के अंदर ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज को पूरा जानने की कोशिश किया, आपके इतने सारे कमेंट्स और इतना सारा प्यार देखते हुए हमने डिसाइड किया स्पेशल एपिसोड रिलीज करेंगे आपके रिक्वेस्ट के अनुसार। और वो 3 जो स्पेशल एपिसोड हम रिलीज करने वाले हैं वो होगा ब्रेकिंग सिस्टम, टायर और फ्रंट एक्सल टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगले 3 एपिसोड में हम ये तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड के अंदर हम ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर ब्रेकिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन की जानकारी आप जानना चाहोगे तो ये आता है मैकेनिकल ब्रेक्स और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। मैकेनिकल ब्रेक के अंदर अगर आप जानना चाहोगे तो इंटरनल एक्सपांडिंग शू टाइप टेक्नोलॉजी था, फिर उसके बाद एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू टाइप था, और अभी जो ब्रेकिंग सिस्टम में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है वो है डिस्क ब्रेक टेक्नोलॉजी। ये जो इंटरनल एक्सपांडिंग और एक्सटर्नल एक्सपांडिंग शू टाइप ब्रेक्स मार्केट से पूरा चला गया है, ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। अगर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में जाना चाहोगे तो हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड ब्रेक सिस्टम्स कुछ ट्रैक्टरों में आया मगर उतना सक्सेस नहीं कर पाया मार्केट में। तो आइए जो अभी डिस्क टाइप ब्रेक टेक्नोलॉजी मार्केट में जो चल रहा है उसकी बात करेंगे। ये जो आपके स्क्रीन में दर्शाया गया जो पहला डिस्क जो आपको दिख रहा है ये है ड्राई टाइप डिस्क ब्रेक। ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है, नॉन एस्बेस्टोस मटेरियल से। दूसरा जो है ओआईबी ब्रेक है, तेल में डूबे ब्रेक, ये बनता है सिंटेड ग्राफाइट मटेरियल से। ये बहुत ही हार्ड होता है मटेरियल और लंबी उम्र चलता भी है। इसमें दूसरा ब्रेक डिस्क भी आता है जो डिजाइन में अलग रहते हैं, इसकी स्ट्रेंथ में भी कुछ फर्क होता है। तो आइए दोस्तों मैं आपको ट्रैक्टर लैब में ले जाके ये तीनों डिस्क में टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी बनावट कैसी होती है, कौन सा बहुत फायदेमंद होता है किस उपकरण के लिए, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी के अंदर ब्रेक डिस्क। ये ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्रेक आते हैं, ये कौन कौन से टाइप है, इनमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो जानने की कोशिश आज करेंगे। पहला जो डिस्क मैं आपके सामने जो दर्शा रहा हूँ इसको हम बोलते हैं ड्राई डिस्क ब्रेक या सूखे ब्रेक। दिखने में ये गोलाकार में ही होता है मगर जो डिस्क होता है वो मोटा होता है, जाड़ा होता है। ये जो फ्रिक्शन मटेरियल है ये आप देख सकते हो, ये डिस्क के साथ रिविट किया गया है ताकि ये डिस्क के साथ चिपके रहे, जब भी ब्रेकिंग का काम करोगे तो बहुत एफिशिएंटली काम करे। अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में बहुत ही कम आता है या ना के बराबर है ये। अगली टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उसको हम बोलते हैं ओआईबी डिस्क ब्रेक या ऑयल इमर्स्ड ब्रेक या तेल में डूबे ब्रेक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्क जो है तेल में डूबा हुआ होता है। आप सोच रहे होंगे कि डिस्क ब्रेक है और फ्रिक्शन मटेरियल है और वो तेल में डूबा है, ये क्या बात हो गई। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जब ये तेल में डूबा हुआ रहता है, इसकी जो मटेरियल है इसमें खासियत यह है कि तेल में जब डूबता है तो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो बोलते हैं, जो फ्रिक्शन जो पकड़ की जो मजबूती होती है वो ज़्यादा बन जाता है। वो कैसे, ये मटेरियल खास है और ये मटेरियल बनता है सिंथेटिक ग्राफाइट मटेरियल से। ढलान के समय ही ये मेटल डिस्क के साथ इसको लगा दी जाती है और इतनी मजबूती से लग जाता है कि सालों साल ये मेंटेनेंस फ्री भी रहता है और लंबी उम्र भी चलता है। ये सालों साल मेंटेनेंस फ्री क्यों रहता है, क्योंकि देखिए जब ये सूखे ब्रेक चलते हैं, जब इसको इस्तेमाल करते हो, ब्रेक लगाते हो, तो जल्दी गर्म हो जाते हैं और मटेरियल जितना गर्म होता है उतना जल्दी घिसता है। उसी प्रकार से ये जो ओआईबी डिस्क है तेल में डूबा हुआ रहता है, जब भी ब्रेक लगाते हो तो ये भी गर्म होता है मगर जल्दी ठंडा भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये तेल में डूबा रहता है, तेल इसको जल्दी ठंडा कर देता है और लंबी उम्र चलता भी है। और दोस्तों इसकी जो पैटर्न आप देख रहे हो ये स्पेशल पैटर्न है, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पैटर्न भी आती है। ये एक डिस्क देखिए, ये चौकोर आकार में है, ये भी ओआईबी डिस्क ही है। इसके अलावा आप जानना चाहोगे ये छोटे डिस्क हैं
कुछ ट्रैक्टरों में ये बड़े डिस्क भी आते हैं, जैसे कि फार्म ट्रैक के सिंगल रिडक्शन में ये बड़ा डिस्क आता है, ठीक है। और उसी प्रकार से ये बड़े डिस्क में अलग डिज़ाइन वाले भी उपलब्ध हैं। और कहा भी जाता है दोस्तों कि ये जो डिस्क हैं, नंबर ऑफ प्लेट अगर ट्रैक्टर में ज़्यादा है तो ब्रेक की एफिशिएंसी ज़्यादा होता है और इसकी उम्र भी लंबी होती है, ये मैं भी मानता हूँ। अगर आप जानना चाहोगे पावर ट्रैक फार्म ट्रैक ट्रैक्टरों में, तो मिनिमम एक तरफ 3 डिस्क आती है, मैक्सिमम 5 डिस्क भी आपको मिलते हैं एक तरफ। अगर एक ट्रैक्टर है 5 डिस्क एक तरफ लग रहे हैं तो दूसरी तरफ भी 5, कुल मिला के 10 डिस्क भी है कुछ ट्रैक्टरों में, और कुछ ट्रैक्टरों में एक तरफ 3 और एक तरफ 3, मतलब 6 डिस्क। ज़्यादा डिस्क ज़्यादा पकड़, ज़्यादा मजबूती। इसके साथ आप ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्टील डिस्क। ये स्टील डिस्क लगता है OIB डिस्क के बीचों बीच, एक OIB डिस्क यहाँ लगा है और दूसरा OIB डिस्क इसके सामने लगेगा। इसी प्रकार से नंबर ऑफ डिस्क जो है ये ज़्यादा लगा सकते हो एक तरफ। दोस्तों जो OIB ब्रेक अलग अलग डिज़ाइन की जो मैंने बात की है, उसमें एक खास चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो आपके सामने जो मैं दर्शा रहा हूँ ये स्पेशल डिज़ाइन वाला मटेरियल है, OIB का ही है और सिंथेटिक ग्राफाइट का ही है, मगर ये जो डिस्क है ये स्पेशल इम्पोर्टेड डिस्क है, कोरियन डिस्क हम कहते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कोरिया से हमने लिया हुआ है। इसका फ़ायदा ये है, जो इंडियन डिस्क से कंपेयर करोगे इसका जो लाइफ है वो ये लंबी उम्र आती है, मेंटेनेंस फ्री रहते हैं। बहुत सारे हमारे फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में ये इम्पोर्टेड कोरियन डिस्क भी लगता है। आज आपने जाना, ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर मेनली दो प्रकार के डिस्क होते हैं, एक होता है सूखे ब्रेक या ड्राई ब्रेक और एक होता है OIB ब्रेक या तेल में डूबे ब्रेक। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में मेंटेनेंस क्या है और किसकी किसकी लाइफ ज़्यादा है, ये आपने जाना है। तो जब ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो ब्रेक के बारे में ज़रूर पूछताछ कीजिए, क्योंकि ब्रेक एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है पूरे ट्रैक्टर के अंदर और ट्रैक्टर रोकने में ये बहुत मददगार होता है। तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन में दर्शाया गया है, जब ऑपरेटर ब्रेक पेडल दबाता है तो ये मास्टर सिलेंडर ऑयल का प्रेशर बनाता है और ये ऑयल प्रेशर व्हील सिलेंडर में जाता है, व्हील सिलेंडर ब्रेक को एक्चुएट करता है और ब्रेक लग जाता है। ये पावरफुल ब्रेक है, मगर ट्रैक्टर इंडस्ट्री में ये अपना नाम नहीं बना पाया मार्केट में। क्यों? पहला, इसका कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, इसकी मेंटेनेंस। ये जो हाइड्रोलिक की जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के अंदर एयर बबल्स आने के संभावने ज़्यादा होते हैं और टाइम टू टाइम ये एयर बबल्स को आपको निकालना पड़ेगा ताकि ब्रेक एफिशिएंटली काम करें। शायद इसी कारण ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ट्रैक्टर इंडस्ट्री में नाम नहीं बना पाया। तो दोस्तों आज का जो स्पेशल एपिसोड ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर था और आशा करता हूं कि आपने पूरी ब्रेक टेक्नोलॉजी की जानकारी ली है। आपका अगर कोई सुझाव है या कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिए। हम इसके बीच में एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी लेके आ रहे हैं ताकि आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये एपिसोड आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सारे एपिसोड को आप मिस ना करें। तो दोस्तों आने वाले दो एपिसोड हम टायर टेक्नोलॉजी और फ्रंट एक्सल टेक्नोलॉजी पे लेके आ रहे हैं, तो इसी चैनल पर अगले शनिवार को इसी टाइम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।